आपको कुछ क्लिप्स दिख रहे रहेंगे जिसके पीछे गाइस कुछ चिट्ठी लिखी हुई है और उसमें है डेयर्स। और ये जो स्टोन्स दिख रहे हैं आपको, इन सब में भी एक एक डेयर छुपा हुआ है जो कि आज हमारे साथ खेलने वाले हैं। असली के पैसे भी है, 2,000 की पूरी गड्डी है, ठीक है, और एक एयरपोर्ट प्रो भी है जो कि मुझे कुछ 18,000 रुपए में गिरे, तो ये भी तुम्हें जीत सकते हो। बस तुम्हें राइट वाला रोप कट करना है। तो अभी हम डिसाइड करेंगे कौन पहले जाएगा। इधर हम रोनिश को लेंगे गाइस और उसके पीछे करेंगे नंबर और रोनिश बताएगा कौन पहले जाएगा कौन ये। चलो इधर पहला नंबर जो है वो है नंबर ये, रोनिश रोमन का मन का नंबर हो गया ये वाला, ठीक है। अब ये नंबर ये है मेरा, ओके। तो गाइस रोनिश को मिला नंबर 1, ये नंबर ले लेगा, ठीक है। अभी हो गया सेकंड, फर्स्ट रोनिश, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो कुछ इस तरह के नंबर्स है। अगर पहले प्राइस चला गया तो मन को आएगा डर, और अगर पहले डर चले गए तो मन को आएगा मजा। फर्स्ट नंबर पे रोनिश, इधर से देखो काटना, ठीक है, नीचे से नहीं है, ऐसे लिया और ये काट दिया और ये मिल गया, ऐसा अलाउड नहीं है। ऊपर से काटने और बाई चांस गाइस रोप कटने पे अगर नहीं गिरा तो तेरे को एक और चांस मिलेगा, बट फिर भी नहीं गिरा तो मेरे को पता है कौन से रोप में क्या है, कौन सा रास्ता किधर जाता है वो मेरे को पता है, सही तो मैं बताऊंगा, ठीक है। बताओ भाई कौन सा काटेगा। तो वो मैं नहीं बताऊंगा, वो तेरे को काटने पे कैश पे ज्यादा जा। नहीं 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 नहीं, यही तो गेम है, चलो देखते हैं। तो खेलो वरना गेट आउट, ठीक है। रोनिश भाई नंबर 3 आया है, तो रोनिश भाई भाई पक्का कटेगी क्योंकि भाई ये जा रही है इधर से। क्या गिरा? उस तो चिट गिर गई नंबर पे। रोनिश भाई पहले गेम से पहले के भाई मुझे तो पता है क्रेश प्राइस किसमें है, बहुत उछल रहे थे भाई, मैंने देखा काउंट किया। अब इसमें है चिट, चिट में क्या है? आर यू गाइस रेडी? ये ले लो तुम लोग जो चाहिए, चिट मेन है। क्या है? स्मेल योर ओन सॉक्स गाइस, पहले में ही इतना गंदा, पहला ही डेयर रोनिश का है और काफी खतरनाक खतरनाक डेयर है। तो भाई तू जाके अपने सॉक्स लेके आ सकते हैं, तुम लोग के पास चांस है, ढूंढो तुम लोग, बहुत चांस है, बहुत चांस है, उसको कोई उठा ना ले यार। मन को लग रहा है कि वही है, कि वही है। सॉक्स लेके आ रहा था, इन लोग तीनों ने बहुत से अच्छे अच्छे नंबर गेस किए जो कि ये लोग बोल रहे हम काटेंगे, बट मुझे नहीं लग रहा एक का भी राइट होगा। तो तुम लोग देखो तब तक, तुम भाई स्टार्ट हो 15 सेकंड, मैं 15 तक काउंट करूंगा, तब तक तेरे नाक से चिपका हुआ रहना चाहिए। चिपका हुआ नहीं भाई, भाई खुद का सॉक्स है भाई। इतनी देर तक सांस रोक के रखी थी इसने, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सेकंड तक रोनिश भाई ने इधर अपनी सांस की बैंड बजाई है। तो ये तो पहला डेयर था गाइस, आगे आगे बहुत खतरनाक डेयर है, काफी ज्यादा मजा आएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार गाइस, 6,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने, जल्दी से सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट कौन था? अभी लेट्स गो अभी भाई, अभी भाई, अभी भाई की चांस है, देखते अभी भाई क्या करेंगे, हां ट्राई करो गाइस, अभी भाई को भी चांस देंगे सबको। ओके पूरा नीचे से ये बनाया जा रहा है, देखते गाइस अभी भाई क्या देंगे, ये वाला काटो। तो गाइज मुझे पता है आप लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है और उसके लिए आप लोग ट्रेडिंग भी कर रहे रहोगे जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सेफ साइड में रहने के लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा ताकि अपनी रिस्क कम हो जाए। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जिसका नाम है पॉकेट ऑप्शन। पॉकेट ऑप्शन की शुरुआत 2007 में हुई थी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था हर एक ट्रेडर को मोस्ट एडवांस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मिले। इसमें 1,00,000 से ज्यादा एक्टिव यूजर्स है जो कि $850 प्लस की इनकम जनरेट कर रहे हैं हर महीने, और ये 95 से ज्यादा देशों में अवेलेबल है जिसमें इंडिया भी आता है। पॉकेट ऑप्शन के सबसे बेस्ट फीचर की बात करें तो इसमें 100+ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जैसे कि स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स और बहुत सारे। एंड गाइस इसमें 50+ डिपॉजिट मेथड है, पेटीएम, रुपए, वीजा, यूपीआई और बहुत सारे, जिसमें 0% कमीशन देनी रहती है, और इसमें आप लोग $10 से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें एक और ऐसा फीचर है जो कि इसको बाकी लोगों से अलग बनाता है, वो है S5 फीचर, जिसमें आप लोग 20% फास्टर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो। और अगर आपको अभी इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप लोग इनका डेमो अकाउंट भी ट्राई कर सकते हो जिसमें आपको $10,000 मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, एंड बाद में आप अपना इन्वेस्टमेंट करके अर्न कर सकते हो। भाई गिरा, ब्रांड न्यू एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स
एकदम अभी भाई जीत चुके गाइस एयरपोर्ट्स। पहले भाई तुमने तो दो प्राइज में से एक प्राइज अभी भाई ने ले लिया भाई। अब मैच कौन है, कौन है भाई? रास्ता ढूंढने के लिए ये भी होना चाहिए ना, पूरा लक पे नहीं होना चाहिए, पैसों वाला रास्ता निकाले, पैसों वाला रास्ता निकाले लेजेंड भाई ने। दो नंबर पे लेजेंड भाई को लग रहा है पैसे। रुक जा, हाँ ये बात हो गई, बट आठ नंबर होंगे, आठ नंबर वाली नहीं बता। काफी मेहनत के बाद लेजेंड के पैरों में हील्स बांधी गई है और अब तेरे को ना भाई इसकी हाइट देखो भाई। मैं बच्चा लग रहा हूँ इसके सामने, तो तेरे को अभी ऐसे ऐसे हो गए भाई एकदम। इधर जजेस बैठे सामने लोगों को मार्क्स देंगे, ठीक है? हेड वर्क का थोड़ा सा ये हो गया है सीन। ओके कुछ तो ये कटा है, इसमें है क्लिप्स, ओके, और इस पे लिखा हुआ है क्लिप्स ऑन योर बॉडी पार्ट। अरे भाई होगा एक स्पिन गाइस, इधर नीचे लिखा है स्पिन द व्हील, तो अभी एक व्हील स्पिन होगा, जो बॉडी पार्ट आया उधर तेरे को पांच क्लिप्स लगने वाले। भाई गाइस बड़े कॉन्फिडेंस के साथ का हाँ समझ लिया ये तो अब लगेंगे मन पे क्लिप्स। हाथ आ जाए बस आम एक ही ना, सिर्फ चार से पांच भाई, भाई ये आ जाए मेरे को तो बस उसी का ये है, फिर मजा आएगा। इधर हमारा स्पिन द व्हील रेडी हो गया है, जिसमें है चेस्ट है, स्टमक है, लेग्स है और फेस है, तो ये देख सकते हो गाइस आप लोग। एंड यहाँ पे स्पिन होगा, लेग्स स्पिन हो गया, यस बच गया गाइस, इधर आ गया लेग्स। चार की बात हुई थी भाई भाई अरे किधर तक अरे तो लग ही नहीं रहे हाँ भाई पीछे लगा पीछे साइड लगा आ भाई मेरे लिए तो दुखता है भाई भाई लगाने देना पड़ेगा लगाने देना पड़ेगा भाई बैठ के लगाओ बैठ के लगाएंगे गाइस एकदम चमड़ी खींची जाएगी लग ही नहीं रहे भाई फिर से रीस्पिन होगा फेस नहीं यार स्पिन हुआ फिर से भाई जो बोल रहा हूँ वो क्यों आ रहा है फेस फेस नहीं चाहिए तो तेरे पास ऑप्शन है चेस्ट या स्टमक दोनों में से कुछ भी ले सकते हो नहीं चलो फेस चलो मेरे को तो चेस्ट चाहिए था मजा आ जाता था तो कोई सीन नहीं है फेस ही है
एक भाई दुख रहा हो गया पांच गाइस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 भाई क्या दुखा सही में गाइस बेचारे मन पे मुझे बहुत दया आती है हर व्लॉग में गाइस मन मन के लिए जस्टिस हर व्लॉग में मांगा जाता है खत्म ही हो जाता है यार इसके नसीब ही ऐसे बताइए किसका है अभी भाई गलत बताइए किसका है लेजेंड कैश के लिए ही जाना पड़ेगा और कुछ चाहिए नहीं कैश के लिए ना सबको पूरा टाइम हो जाएगा फर्स्ट निकाल दे लेजेंड ने फिफ्थ नंबर कार्ड दिया है पूरी की पूरी नोटों की एकदम नोटों की गड्डी कैटवॉक किए पहले में अभी नोटों की गड्डी अब तो भाई जो तीन बचे हैं अब तो वो दुआ करे गाइस नेक्स्ट है हमारे टीएसडी रोनिश ये मैं क्या बोलूं तू फोम का है ना तो तू बच सकते क्योंकि ये तो जो ढेर है वो डेर गाइस मैं बता नहीं सकता कैसे डेर है सही में फोम सबसे वीकेस्ट डेर है गाइस तो नहीं भाई फोम में गंदा हो जाऊंगा मैं अभी तेरे पे है तेरे पे चल ये गेस कर क्या काटेगा तो क्या निकलेगा भाई मैं हाँ। तो लग रहा है कि मैं ये काटूंगा ये काटेगा तो निकलेगा फोम निकलेगा ठीक है भाई पक्का इसमें इससे गंदे डेर से भाई कुछ भी हो सकता है मैं नहीं बता सकता है ठीक है भाई तो बिना तू ये काटेगा तो फोम गिरेगा ऐसा तेरे को लग रहा है रोनिश को ब्रश और टीथ विद केचप और एक चीज बता दूं ये बच्चे को केचप से एलर्जी है बहुत गंदा बिल्कुल नहीं पसंद है भाई अब तो उससे ब्रश करना है तेरे को भाई कुछ एक्सचेंज होगा भाई तेरे को बोला था फोम काट दे भाई बच जाएगा वही देखा भाई फोम दिख रहा था उधर इधर केचप और ब्रश लाया गया है एकदम देख लो कम कम लगाना भाई प्लीज मतलब जैसे दिखते ब्रश करते उठते का ही रहता है बस बस गाइस ब्रश करना पड़ेगा रोनिश भाई केचप से ही करके भाई देख के मेरे को उल्टी आ रही है चलेगा 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 देख मत ना स्मेल कर सीधा ब्रश कर गाइस ये तो मैं सोच भी नहीं सकता भाई आउट होना है भाई भाई अंदर जाके करो नहीं इधर ही भाई बाथरूम चाहिए क्या गाइस थोड़ी सी घर की सहमति के लिए हमें बाथरूम में जाके केचप करवाना पड़ेगा बट आपको दिखेगा चलो लेट्स गो टू बाथरूम आ जाओ रोनिश को ब्रश करते हुए आएगा थोड़ा सा आएगा रोनिश आएगा आएगा ओके हां हां लग गया ई गाइस पूरा ब्रश कर दिया गया रोनिश ने भाई देख क्यों रहा है ऐसा तो हो गया बट भाई काफी खतरनाक डेर था अब बचे दो लोग देखते किसको क्या आता है सबने अपने डेर कंप्लीट किए और अभी तो सिर्फ डेर ही है तो देखते किसको क्या आता है सिर्फ अभी और मन बचे तो जो अभी काटेगा मन तेरा तो अपने आप आएगा ये अभी भाई अभी भाई क्या तुम मन को चांस देना चाहोगे पहले नहीं नहीं गाइस तो अभी हम अभी का देखेंगे अभी क्या काटेगा भाई ये जाली है ऐसे 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 इधर और इसमें तुम बोले कुछ खतरनाक भी हो हां खतरनाक भी हो सकता है पर मेरे को ऐसे लग रहा है कि तुम झूठ बोले कुछ अच्छा भी हो सकता है अब वो मैं कुछ नहीं बता सकता भाई ये पूरे बॉडी पे ब्रश और टीथ आया है ये पूरे बॉडी पे पूरा इस पे जो लिखा हुआ रहेगा वो होगा गाइस इधर एक चिट है इसके साथ तो इसमें जो लिखा हुआ रहेगा वो होगा अब देखते हैं क्या इसमें क्या आता है क्या है भाई ट्रिम वन ऑफ योर बॉडी हेयर पार्ट स्पिन द व्हील गेम होगा गाइस
फिर आ गए। नहीं भाई नहीं भाई नहीं नहीं भाई गाइस मैंने बोला था भाई ये का बेटर है। अरे भाई अब स्पिन द व्हील बनेगा इसका और तब तक मन भाई का भी खोल देते गाइस क्या आएगा। काट काट गिरा है फोम ही है ना पक्का वो है शेविंग फोम में दिख रहा है भाई वो फोम ऑन योर फुल बॉडी गया। क्या बोल रहे हो भाई कहाँ खड़ा रहना चाहोगे। मैं तो बोल रहा हूँ इसको पूल में लेके जाते हैं। चलो आ जा चल अंदर अंदर चल अंदर खड़े हो जा भाई खड़े हो जा निकालना है तो निकाल सकते हैं। क्या टी शर्ट नहीं भाई चेंज तो कर नसीब बढ़ गए क्या हालत हो गई है मेरी भाई जी। गाइस कैसा लग रहा है तुम्हें कि तुम पे ये नहीं आया भाई मैं बच गया। अच्छा हुआ मैंने वो नहीं किया भाई ऐसा लग रहा है। गाइस आज की वीडियो में सिर्फ एक गंदे होने वाला डर था भाई। मैं नहीं भाई मेरे पे हर गंदा हर चीज मेरे पे आती है। चलो अब होगा गाइस लास्ट अभी भाई का डर। व्हील बन चुका है व्हील में है आर्म्स लेग्स हेयर या फिर बियर्ड हेयर क्या लगता है क्या आएगा। हेयर आएगा भाई आर्म्स आएगा भाई आर्म्स नहीं भाई गाइस देखते अभी क्या आता है अभी भाई को बियर्ड आ जाए। ये बोल रहे मुझे बियर्ड वैसे भी ट्रिम करनी है तो मैं बियर्ड करूंगा। तेरी भैंस की पूंछ बियर्ड गाइस इधर बियर्ड आया तो इसको अपन मुंह रखेंगे सिर्फ मूंछ रखेंगे और बियर्ड बियर्ड निकालेंगे। हां सवाल चिकना करेंगे ट्रिमर गाइस बियर्ड आई है तो बियर्ड को ट्रिम करेंगे। इधर अभी भाई की बियर्ड ट्रिम होगी भाई नहीं आएगा आज ही निकला मैंने देखो भाई नहीं भाई बियर्ड नहीं हट रही भाई चीटिंग नहीं हट रही है बियर्ड हटनी चाहिए भाई बियर्ड पूरी दिख रही है भाई हट रही है बियर्ड दिख रही है भाई ये सब छोड़ो इसकी ये साइड से बियर्ड भाई तुमने ये साइड से बियर्ड गलत कर दिया भाई मैं सेट कर दिया यहां से पूरा लाइट हो गया बियर्ड और यहां से बियर्ड डार्क हो गया। तो यस गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड देन भाई इसको ऐसे ही एंड आई होप आपको ये चैलेंज में मजा आएगा अच्छा लगेगा तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय लव यू गाइस पीस आउट।